आप देख रहे हैं एवन न्यूज़ बिहार में आप साथ अनुमानी सिंह। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन पूरा हो गया है। भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य पूजा की और इस ऐतिहासिक कार्य की अयोध्या साक्षी बनी है। कार्यक्रम में 175% अतिथि आए हुए थे। करोड़ों राम भक्तों का सालों का इंतजार पूरा हो गया जब राम मंदिर की आधारशिला रख दी गई है और विधिवत रूप से राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, जिसके शुभ अवसर पर बुधवार को यूनिटी क्लब के द्वारा स्टेशन पर रह रहे जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया गया और पूरे मोहल्ले को सजाया गया और अध्यक्ष बादल व्याउत के मोहल्ले में भंडारों का आयोजन कराया गया। यूनिटी क्लब के सारे सदस्यों में एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है। अब क्या कहना चाहते हैं आप लोग के द्वारा, क्या क्या कार्यक्रम रखा गया? आज यूनिटी क्लब के द्वारा हमारे राम जन्मभूमि पर आज जो पूजा था उसी द्वारा पर हम लोग विशाल भंडारा का आयोजन किए हैं आज यूनिटी ग्रुप के द्वारा। आपका शुभ नाम? अमरजीत। प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया गया, जिसके शुभ अवसर पर हमारे यूनिटी क्लब के द्वारा आज सबसे पहले स्टेशन पर रह रहे जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया गया, ताकि वो आज के दिन भूखे पेट ना सोए, क्योंकि आज का जो दिन है ये इतिहास में सुनहरे अक्षरों के साथ लिखा जाएगा। और 100 करोड़ हिंदुस्तान वासियों का ये सपना था जो आज साकार हुआ, और 130 करोड़ की जनता जो हमारे देश की है वो आज के दिनों की याद रखेगी, ताकि आज विश्व का सबसे बड़ा मंदिर हमारे अयोध्या में बनने जा रहा है, हमारे भारत में बनने जा रहा है, जिसके लिए हम सबसे पहले मोदी जी, अमित शाह, योगी जी, आडवाणी जी, मोहन भागवत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने सभी हिंदुओं का सपना को सच किया। और उसके बाद हम लोग यूनिटी क्लब के द्वारा अभी हम लोग के मोहल्ले में भंडारे का आयोजन किया गया, और आप देख सकते हैं पीछे हमारे श्री राम जी के फोटो के नीचे दीप जलाया जा रहा है और पूरे मोहल्ले में दीप जलाया गया हर घरों पे, और पूरा आज दिवाली का माहौल है और बहुत अच्छा हमको महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रहा है।